तो दोस्तों आज हम लोग ओकस रेजिडेंसी में हैं। यहाँ आपको 3 BHK के ये जो है फ्लैट्स हैं और 2 BHK के फ्लैट्स हैं, देख रहे होंगे यहाँ का इंटीरियर कितना ज़बरदस्त है। और यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, यहाँ पर आपको जो 2 BHK फ्लैट है वो मात्र 53 लाख रुपये से स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर आपको जो है सभी फैसिलिटीज़ के साथ यहाँ पर ये टाउनशिप मिल रही है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं कैसा है ये वीडियो। आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल बिजनेस प्रमोशन में। दोस्तों आज हमारे साथ भूपेश जी हैं। भूपेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, आपके चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज हम जिस लोकेशन पे और जिस प्रोजेक्ट पर हैं वो बहुत खास और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में और उसकी लोकेशन के बारे में और उस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई सभी जानकारी के बारे में भूपेश जी से जानते हैं। भूपेश जी स्टार्टिंग करते हैं लोकेशन से। देखिए अर्जुन जी, कोई भी प्रॉपर्टी कोई खरीदता है तो वो प्रॉपर्टी बाद में खरीदता है, सबसे पहले लोकेशन खरीदता है। लेकिन मैं उस लोकेशन पे प्रॉपर्टी क्यों लूँ और आने वाले समय में वो फ्यूचर क्या है कि जो उनके प्रॉपर्टी के रेट को अप्रिशिएट कर सके जी। तो जिस लोकेशन में है, ये हमारा अंसल में सेक्टर जी पॉकेट 5 में प्रोजेक्ट है। अच्छा, जो कि नियर बाई सुल्तानपुर हाईवे, नियर बाई आपका शहीद पथ है। अब मैं अगर लोकेशन की बात करूँ तो इस 3.5 से 4 किलोमीटर की रेडियस में जी बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज ऐसी हैं जो 3.5 से 4 किलोमीटर की रेडियस में आती हैं, लाइक SCL सिटी, पलेशियो मॉल, PCS एकेडमी, आपका 100 बेड का मदर चाइल्ड हॉस्पिटल, DZP ऑफिस, मेदांता हॉस्पिटल, लुलू मॉल, ये सब आपके 3.5 किलोमीटर के रेडियस में आ जाते हैं। स्टेडियम एंड ऑल सभी चीज़ सभी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ से आपका वॉकिंग डिस्टेंस पे मुश्किल से 300 मीटर पे आपका सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल बना हुआ है जी। उसके जस्ट बगल आपका 100 एकड़स का अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है, जो यहाँ से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे है। जो भी मेडिकल कॉलेजेस आपके KGMC से ऑपरेटेड होते थे, अब नए जो भी मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल। अच्छा सर, अभी हम लोगों ने लोकेशन समझा आपसे, अभी मुझे एक बात बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं, ये जो आपकी जो टाउनशिप है ये कितने बीघे की है और या ये कितने यहाँ पर एकड़ की है, और यहाँ पर आपके जो फ्लैट्स आ रहे हैं ये फ्लैट्स हैं यहाँ पर या विला हैं, किस तरीके का टाउनशिप है आपका ये? ये टोटल हमारा 16.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, ग्रुप हाउसिंग है GP1 की, जिसमें हम फेज बाई डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है। इसमें सबसे बड़ा एक कंसर्न आप कह सकते हैं रियल एस्टेट में था डिलीवरी को लेके, कि प्रोजेक्ट बनते थे 6-6 साल पोजीशन में नहीं आते थे, 20% पेमेंट के बाद क्लाइंट की EMI स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल। तो जो क्लाइंट एंड यूजर थे वो रेंट पे रह रहे थे, तो उनके लिए रेंट और EMI एक साथ बेयर करना बहुत ही मुश्किल था, प्रॉब्लम होती थी। दूसरा एक कंसर्न था रियल एस्टेट में प्राइसिंग को लेके, कि एक ही दिन में क्लाइंट को, अलग अलग क्लाइंट्स को एक ही फ्लैट के 3 रेट बताए जाते थे जी। इन दो चीजों पे हमने काम किया है। पहला तो हम फेज वाइज डिलीवर कर रहे हैं, अभी हम 4.5 एकड़ पे काम कर रहे हैं, जिसमें से 2 टावर हमारा पोजीशन मोड में है। जो अभी हमने जो जिस टावर में हम लोग खड़े हुए हैं ये आपका फेज वन है और इसमें आपका कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट रेरा से आ चुका है। अच्छा, तो विद इन मंथ यहाँ पे फैमिली शिफ्ट हो रही है। ये रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, LD अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, प्राइवेट नेशनलाइज सभी बैंकों से अप्रूव प्रोजेक्ट है। अच्छा। और जो हम OC अप्लाई करते हैं और जो CC हमें LDA देता है, कि जो हम OC हमने अप्लाई की थी उसके मानक के अनुसार हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है, तो हमारा सब कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट। आपके यहाँ पर जो टाउनशिप में फैसिलिटीज हैं वो क्या क्या है? फैसिलिटीज़ में इसमें सबसे बड़ा जो हमारा USP है वो ये है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो टोटल हम RCC पे बना रहे हैं। अच्छा। कहीं भी हम ब्रिक का यूज़ नहीं कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है कि हम इसे ओकस रेजिडेंसी नेचर होम्स क्यों बोलते हैं? नेचर होम्स का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो आपके नेचर को इफेक्ट कर रही है, लाइक ईंट भट्टे से निकलने वाला पोल्यूशन है, बिल्कुल उसको हमने इग्नोर किया हुआ है यहाँ पे। हम किसी तरीके का एस ब्रिक और रेड ब्रिक नहीं यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। हम टोटल RCC पे बना रहे हैं। जैसे आप बैक साइड में हमारे वॉल देख रहे हैं, इस पे आपका प्लास्टर भी नहीं होता है, इसकी लाइफ 20 ईयर्स ज़्यादा मानी जाती है, प्लस इसमें कभी भी आपको लाइफ टाइम सीपे सीलन का इशू नहीं आया। मतलब कि आपका जो क्वालिटी का जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है हमारा वो बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है, और इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। और आज की डेट में बोलते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जगनी है। जो लोगों को दिक्कतें आई, जो लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी कि 2.5-3 लाख रुपए आदमी अपने बाथरूम में लगा रहा है लेकिन लीकेज हो जाता है तो सीपेज सीलन नहीं जाता है जी। उस चीज को एक कंस्ट्रक्शन, इसी वजह से आप सजेस्ट करते हैं सबको कि ओकस बेस्ट है। ओकस बेस्ट है। रीजन क्या है कि हम एक टाइमलाइन के अंडर बना रहे हैं, पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो 2.5 साल के अंदर डिलीवरी देने जा रहा है। और आपने क्लाइंट्स को कस्टमर्स का भी ख्याल रखा है कि उनको सेम टाइम पे पोजीशन मिल जाए, जिससे कि उनकी EMI और ये प्रॉब्लम्स उनको ना फेस करना हो, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न था आपका डिले पोजीशन।
ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पर जैसे कि पार्क्स हो गए या स्विमिंग पूल हो गया या फिर यहाँ पर ग्रीनरी को लेकर के हो गया, ये सभी यहाँ पर क्या फैसिलिटीज़? इसमें डेडिकेटली हमने किड्स प्ले एरिया दिया हुआ है जो हमारा आज की डेट में बनके कंप्लीट है। इसमें हम एक सेंट्रल पार्क लेके आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 65,000 स्क्वायर फीट में है, जिसके साथ क्लब भी है। क्लब में एमिनिटीज जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिम्नेजियम, योगा सेंटर, मेडिटेशन हॉल, स्विमिंग पूल, प्लस 16 शॉप लेके आ रहे हैं कॉमर्शियल्स। कमर्शियल्स का भी है इसमें। अपकमिंग 2023 मार्च में सारी चीज़ें आपको यहाँ कंप्लीटेड मिलेंगी। ठीक है, अभी जो यहाँ पर जो फ्लैट्स की अवेलेबिलिटी हैं आपके जो या अपकमिंग आने वाली अवेलेबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर कौन कौन सी हैं? रेडी टू मूव इन में अभी हमारे HK की, आफ्टर दैट 3 BHK की इन्वेंट्रीज हैं हमारे पास 1488 स्क्वायर फीट में। 2 BHK में 4 साइज वेरियंट है हमारे पास, 1232 1200। थोड़ा आराम से बताइएगा ताकि समझने में दिक्कत ना हो क्योंकि रेट्स का है। 2 BHK की हमारे पास 4 इन्वेंट्री हैं जी, 1232 1238 1295। अच्छा, जो प्राइस पैकेट हमारा स्टार्ट होता है वो आपका 53 लाख से होता है। 53 लाख से आपका 2 BHK स्टार्ट हो जाता है और ये वैरी करता है करीब 76 लाख तक, 76 लाख में हमारा 3 BHK। मतलब कि 2 BHK जो आपका स्टार्ट होता है वो 53 लाख रुपए से, मतलब कि 3 BHK की जो स्टार्टिंग है वो 76 लाख से स्टार्ट है। राइट जी, बिल्कुल। पूछा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इस रेडियस में, तो ओकस बेस्ट क्यों है, क्लाइंट ओकस से क्यों परचेज करें? बिल्कुल, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन क्या ऐसा मिलेगा उसको? जैसे उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो बिफोर टाइम हम आपको पोजिशन दे रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी EMI वारंट, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि एक साथ आपको बेयर ना करना पड़े। दूसरा हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, तीसरा जो हमने आपको एमिनिटीज बताई, 65% ग्रीन एरिया है, नेचर होम्स का मतलब पूरे तरीके से हमारे एक भी फ्लैट में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं सफोकेशन हो रही है। बिकॉज 2 BHK इज विथ 4 बालकनी, 3 BHK विथ 5 बालकनी। ये भी प्लस पॉइंट है। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही कम वेटर्स में देखने को मिलेगा, किसी भी बालकनी की चौड़ाई 4.5 फीट से कम नहीं है। बिल्कुल। तीसरा 3-layer सिक्योरिटी, CCTV वीडियोज कैमराज लगा के दे रहे हैं जिसमें आपका वीडियो ऑडियो दोनों कंट्रोल है, मतलब डोर पे लगा के दे रहे हैं, जिसका एक्सेस आपके घर के अंदर से। मतलब आपका जो सिक्योरिटी का मेन गेट है वो तो आपका फर्स्ट लेयर हो गया सिक्योरिटी का, सेकंड लेयर आपके टावर्स के नीचे गार्ड है वो आपकी एंट्री करेंगे लिफ्ट में, एंट्री और स्टेयर्स पे। राइट, ओके। थर्ड लेयर आपकी ये है कि हम आपको एक वीडियो डोर फोन लगा के दे रहे हैं जिसमें आप घर के अंदर बैठे, मान लीजिए कि आप वर्किंग हो, घर में बच्चे हैं या आपकी वाइफ है, तो पूरे लॉबी का एक्सेस, जिस फ्लोर पे आप हैं उस पूरे लॉबी का एक्सेस आप अपने घर के अंदर से देख सकते हैं। ओके, ये भी बहुत अच्छी बात है। ऑडियो सिर्फ नॉइस का लिस्ट, कभी बहुत बार ऐसा होता है कि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन बात नहीं कर पाते, आदमी है कैसा, मतलब फुल ऑन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्लैट के अंदर से कि कौन बाहर आदमी खड़ा हुआ। जब आप सेफ्टी मेजर्स को पूरा कंप्लीट हो, आप सेटिस्फाई हो, तभी अपना डोर ओपन कीजिए, अदरवाइज आप इंटरकॉम से फोन कर सकते हैं गार्ड को कि अननोन पर्सन मेरे घर के बाहर आया। बहुत अच्छा। और लाइट के लिए इसमें बैकअप फैसिलिटी, 4 आवर्स यहाँ पे लाइट का प्रोविजन है, 3 KVA का पावर बैकअप है। ये जो फ्लोर वाइज अगर हम बात करें, कितने फ्लोर की बिल्डिंग है ये पूरी? ग्राउंड प्लस 14 फ्लोर का आपका टावर है जिसमें आपके एक फ्लोर पे अभी जो हमारे टावर पे आ रही यूनिट वो 7 यूनिट्स आ रही है, 4 2 BHK की आ रही है, 3 यूनिट्स आपके 3 BHK के, ऐसा कॉम्बिनेशन है। 8 फिट का हम लॉबी एरिया प्रोवाइड करा पा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, 8 फिट का लॉबी एरिया देने जो काफी स्पेशियस है। और कॉमन एरियाज में भी आप देखें तो कभी ऐसा नहीं होगा कि हमने 2.5 फिट की लॉबी दी हो या 3 फिट की हो, वो 8 फिट की लॉबी है, तो आपको एक ग्रेसियस लुक आता है जब आप अपने टावर। अच्छा भूपेश जी, एक और लास्ट आपसे सवाल, आप यहाँ पर जो बैंक लोन है वो किस किस बैंक से अप्रूव्ड है या फिर ये कैसे, मतलब बैंक लोन के लिए? ऑलमोस्ट 16 बैंकों से हम डिसबर्समेंट ले चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, मतलब कि यहाँ पर सभी बैंक से, नेशनलाइज बैंक से लोन अवेलेबल है, प्राइवेट बैंकों से आपको यहाँ पे फाइनेंस अवेलेबल है। अच्छा, धन्यवाद भूपेश जी, थैंक यू। इस फ्लैट का एक लुक देखते हैं कि
सामने देख रहे होंगे आप, ये इकाना है, इकाना स्टेडियम, और जो कि इस बिल्डिंग से साफ नज़र आता है। और ये देख रहे होंगे आप, ये अंसल का एरिया है ये सब। दोस्तों, इसी तरीके की प्रॉपर्टीज़ की इन्फॉर्मेशन और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहें। धन्यवाद।